रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक चाहते हैं तो लस्सी से बढ़कर और कोई भी ड्रिंक नहीं हो सकता है। तो चलिए आज इसी लस्सी की रेसिपी को हम शेयर करते हैं। ये है मसाले वाली पुदीने वाली लस्सी और ये है रू अफजा वाली मीठी लस्सी। तो इसी लस्सी को आज हम रेसिपी में देखेंगे। ये इजी और बहुत ही आराम से बनने वाली रेसिपी है जिसे आप इन गर्मियों में इंजॉय कर सकते हैं और अपनी हेल्थ के साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने ले ली है लस्सी। इसे मैं दो तरीकों से बनाऊंगी। तो पहले हम नमकीन वाली बनाते हैं, पुदीने वाली लस्सी बनाएंगे, जिसके लिए दही ले लिया है और जो मसाले लगेंगे वो हैं पुदीना, कुछ पत्तियां पुदीने की ली हैं। मेरे पास 2 चम्मच है जीरा भुना हुआ, काला नमक 1/2 चम्मच लिया है, काली मिर्च ली है 1/2 से भी थोड़ा कम ही ली है और ये लिया है 1/2 चम्मच सफ़ेद नमक। में डालेंगे 1/2 चम्मच जो हमने नमक लिया था, काली मिर्च पाउडर, काला नमक, जीरा पाउडर लेंगे, 1/2 से थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि इसका स्वाद बहुत बढ़िया आता है लस्सी में, और इससे कुछ पत्तियां डाल देंगे पुदीने की और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। सबसे पहले मिक्सर जार में हम डालेंगे दही। ये मैंने 2 कप के करीब दही लिया है। इसे हम अच्छे से अब ब्लेंड करेंगे, साथ ही इसमें सारे मसाले भी डाल देंगे। अब हम शुरू करेंगे मीठी लस्सी बनाएंगे, जिसके लिए मैंने ले लिया है दही। दही में हम 4 चम्मच डालेंगे चीनी के, इस तरह से। इसमें डालेंगे कुछ पंखुड़ियां गुलाब के पत्तों की, और साथ में डालेंगे इसमें रू अफजा। तो रूह अफजा इसमें मैंने डाल दिया है 2 बड़े चम्मच। तो ये हमारी मीठी लस्सी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इन्हें सर्व करेंगे। तो इस तरह से हम इन्हें ग्लास में पोर करेंगे। आइस मैंने इसमें पहले से डाल दी है। ये बढ़िया लस्सी लग रही है, बहुत ही स्वादिष्ट है। इसमें मैं कुछ पत्ते पुदीने के रखूंगी और थोड़ा सा जीरा पाउडर ऊपर से स्प्रिंकल कर दूंगी। हमारी मीठी लस्सी जो बनकर तैयार हुई है उसे भी हम ग्लास में पोर करेंगे इस तरह से, और इस पर मैं कुछ पत्ते गुलाब की पंखुड़ियां रखूंगी, और हमारी स्पेशल डिलीशियस लस्सी बनकर तैयार है। अगर आपको अच्छी लगे तो मेरी लस्सी को एंजॉय ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।